स्वागत है दीदी। आज की वीडियो में हम आपको समूह सखी के मानदेय को लेकर के विस्तार से समझाने वाले हैं, क्योंकि आप सभी समूह सखी के मन में प्रश्न रहता है कि समूह सखी का मानदेय किस प्रकार से मिलता है और कौन देता है। समूह सखी का मानदेय यदि लेट हो जाता है, समय से नहीं मिलता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है और समूह सखी को मानदेय देने की प्रक्रिया किस प्रकार से है। बहुत दीदी हमारी समूह सखी के पद पर पहली बार लगी होंगी, तो उनको भी जानकारी तो बिल्कुल ही नहीं होगी कि समूह सखी को मानदेय किस हिसाब से मिल पाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मानदेय सीधे तौर पर आपके पर्सनल खाते में नहीं आता है। कुछ प्रक्रिया है, उसके बाद ही आपका मानदेय जो NRLM है वहां से आता है और फिर आपके ब्लॉक स्तर से, फिर आपके ग्राम संगठन में आता है, तब जाकर के आप लोगों को मानदेय मिल पाता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन आपका मानदेय मंगाता है? आप सभी को पता है कि स्वयं सहायता समूह NRLM विभाग के अंडर में कार्य करते हैं, उसी के अंडर में बनते हैं। तो आपको बता दें, सबसे ऊपर जैसे कि जो ये योजना जो होती है, ये केंद्र शासित योजना है। केंद्र में NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जानी जाती है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उसके बाद राज्य में आती है, तो राज्य में आपकी SRLM के नाम से जानी जाती है, जो होती है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो केंद्र में भी इसका एक ऑफिस रहा, उसके बाद राज्य में ऑफिस हुआ, और राज्य के बाद ये फिर आती है आपके जो स्टेट लेवल राज्य हो गया, उसके बाद जिले पर, डिस्ट्रिक्ट पर। तो डिस्ट्रिक्ट पर भी इसका, जिले पर भी एक ऑफिस होता है NRLM का, तो वहाँ पर भी NRLM ऑफिस जिला स्तर लिखा होता है, वहाँ पर भी स्टाफ होता है। और उसके बाद NRLM का जो ऑफिस होता है वो आपके ब्लॉक में होता है, ब्लॉक स्तर पर भी एक NRLM का ऑफिस होता है जिसमें BMM होते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर BMM समूह के कार्यों को देखते हैं, और फिर उसके ऊपर जो ऑफिस बड़ा होता है वो जिले स्तर पर NRLM का ऑफिस होता है, वहाँ DMM देखते हैं सारा कार्य। और सभी के ऊपर जो मेन सबसे हेड होते हैं वो होते हैं DC सर, उपायुक्त स्वतः रोजगार, सबसे मेन, सबसे पहले पद पे जिले स्तर पर होते हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी होती है सभी कार्यों को जिले में देखना समूह के, और उनके ऊपर फिर स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कार्य करता है। और फिर छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, जैसे ब्लॉक स्तर पर ऑफिस हो गया NRLM का, तो उसके बाद फिर प्रखंड आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है CLF, उसके नीचे होता है VO ग्राम संगठन, उसके नीचे समूह होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक चेन बनी हुई है। तो अब जैसे आप अगर समूह सखी के पद पर कार्य कर रही हैं, तो आपको कार्य समूहों की देखरेख करने का दिया जाता है, और अब लोकेश ऐप पर भी आपको समूहों का पूरा डाटा फीड करने को होता है। कार्यों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, आप देख सकती हैं कि समूह सखी के कार्य क्या क्या होते हैं, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मानदेय कौन देता है और मानदेय के अलावा क्या लाभ होते हैं, मानदेय किस प्रकार से मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पर समूह सखी को मानदेय, इंसेंटिव एवं भत्ते प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जिला मिशन प्रबंधन इकाई को समूह सखी के मानदेय, इंसेंटिव एवं भत्ते के भुगतान हेतु SNA के माध्यम से किया जाएगा। तो ये है आपका नया जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो भी समूह सखी को मानदेय दिया जाएगा उसके कार्यों के अनुसार जो भी मानदेय है, इंसेंटिव है या भत्ता है, उसका भुगतान कौन करेगा? आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन जिला मिशन प्रबंधन इकाई को जो समूह सखी को मानदेय आदि भुगतान करना होगा, और यह भुगतान SNA के माध्यम से होगा। SNA क्या होता है? केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धनराशि जारी करना और जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी करना, एकल नोडल एजेंसियों में के एकल नोडल खाते में जारी धनराशि से अर्जित ब्याज को प्रेषित करने की प्रक्रिया। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि SNA भुगतान क्या है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक प्रकार से SNA खाता होता है, जो कि ये NRLM के अंडर में जो भी ऑफिस वगैरह बने हुए हैं राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और ब्लॉक
स्तर पर। तो ये एक प्रकार से SNA खाते में धनराशि का भुगतान करते हैं और उसके बाद इसी के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक पैसा आता है, तब जाकर के आपके क्लस्टर ग्राम संगठन के माध्यम से आप सभी को मिल पाता है। तो यह कुछ SNA की प्रक्रिया है जिसमें सरकारी व्यवस्था है, ये केंद्र शासित योजनाओं के लिए लागू की गई है। तो इस प्रकार से अब आपको ये भी जानना है कि भुगतान आता तो है या तो आपको मालूम चल गया, लेकिन आपको मिलेगा कैसे। बहुत दीदी को इसकी जानकारी नहीं है, जो नई दीदियां लगी हुई हैं, तो आपको बता दें कि आप जो हैं महीने में जो भी काम करती रहती हैं उसका एक रजिस्टर बना के रखिए कि हम किस किस तारीख में किस किस समूह की मीटिंग करवाने गए हैं और हमने कितने जो है नए समूह के खाते खुलवाए हैं, उनका CIF दिलवाया है या RF का फॉर्म भरा है, जो भी है अपना लिखते रहिएगा। उससे आपको ये रहेगा कि आपकी भूल चूक नहीं रहेगी। उसके बाद महीने में आपको अपना कार्यों का एक मूल्यांकन प्रपत्र भरना होता है और आपको ब्लॉक से मिलता है और आपको कार्यों का मूल्यांकन प्रपत्र भरने के बाद ग्राम संगठन से उसको साइन भी करवाना होता है। हस्ताक्षर मोहर ग्राम संगठन के पदाधिकारी करती हैं जिस ग्राम संगठन में आप जुड़ी रहेंगी, ठीक है। और अगर आपके गाँव में ग्राम संगठन नहीं है और आप समूह सखी के पर कार्य कर रही हैं तो आप का खुद का समूह हो जिसमें आप जुड़ी हैं या गांव का कोई भी एक समूह नोडल समूह के तौर पर कार्य करता है, आपके मानदेय आदि का भुगतान उसी समूह के खाते में आएगा। यदि ग्राम संगठन बना है तो फिर ग्राम संगठन ही कार्य करेगा, वो तो होता ही है, इसकी जिम्मेदारी सब ग्राम संगठन के ऊपर ही रहती है समूहों की देख रेख की। तो वो तो फिर आपको मानदेय उसी के माध्यम से मिलता है, वही मूल्यांकन करेंगे और साइन करेंगे। उसके बाद ब्लॉक पर भी आपको जमा करना होगा मूल्यांकन प्रपत्र और ब्लॉक जो BMM होते हैं वो फिर उसको चेक करेंगे साइन मोहर वगैरह करने के बाद, फिर वो जिले पर NRLM जिले में जो ऑफिस होता है जिला स्तर पर वहां पर उसको भेजते हैं। जिले पर जो DMM होते हैं वो उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसको सब कुछ ठीक होता है तो फिर वहाँ पर DC सर होते हैं, उपायुक्त रोजगार, तो वो फिर आगे जो है राज्य स्तर पर भेजते हैं। वहाँ से फिर आपका चेक होता है, चेक होने के बाद तब जाकर के पैसा निर्गत होता है SNA के माध्यम से जिला स्तर के लिए, फिर जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पर फिर आता है, तब जाके आपको सेल्फ और ग्राम संगठन के अंदर जाता है या ग्राम संगठन नहीं बना है तो आपका जो नोडल समूह होगा उसके खाते में जाएगा और फिर वहां से आप अपना मानदेय प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं स्पष्ट लिखा है कि ग्राम संगठन या अनौपचारिक समिति अपने समूह सखी के प्रति माह के कार्यों के सापेक्ष मानदेय इंसेंटिव भत्ते के भुगतान हेतु जिला मिशन प्रबंधन इकाई को सूचित करेंगे एवं मानदेय इंसेंटिव एवं भत्ते के भुगतान हेतु धनराशि की मांग संबंधित जिला मिशन प्रबंधन इकाई से करेंगे। यानी ग्राम संगठन के माध्यम से जो मांग प्रपत्र है वो भर कर जाएगा ब्लॉक से, ब्लॉक पर BMM फिर जिले पर भेजेंगे, जिले से राज्य पर, जो कि मैंने आपको बताया। अब यदि आपका मानदेय नहीं मिल पाता है या फिर लेट होता है तब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देखिएगा समूह सखी को जो भी मानदेय इंसेंटिव भत्ता प्रदान किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे कि आपका जब ब्लॉक से फॉर्म आगे भेज दिए जाते हैं भरकर आपके मानदेय को मांग करने के लिए जिला स्तर पर, देखिए जिला मिशन प्रबंधन इकाई जो होती है जिला स्तर पर जो ऑफिस है वहाँ पर अपने स्तर से समस्त दस्तावेजों के आधार पर ग्राम संगठन औपचारिक समिति द्वारा मांगी गई धनराशि के औचित एवं वास्तविक रूप से कार्य किए जाने के संबंध में तथात्मक आधार पर संतुष्टि के उपरांत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SMMU यानी कि स्टेट मिशन मैनेजर से क्रेडिट लिमिट निर्गत करने की मांग करेंगे। यह मांग जिला मिशन प्रबंधन इकाई के अध्यक्ष DC NRLM द्वारा की जाएगी। DC यानी कि DC सर सबसे मेन होते हैं जिला स्तर पर, उपायुक्त स्वतः रोजगार जिनको कहते हैं, उसके बाद उक्त प्रक्रिया द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष संबंधित ग्राम संगठन नोडल स्वयं सहायता समूह के बैंक बचत खाते में धनराशि हस्तांतरण DC NRLM द्वारा किया जाएगा। समूह सखी के ससमय भुगतान हेतु उपायुक्त स्वतः रोजगार DC NRLM एवं जिला मिशन प्रबंधन इकाई सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे, यह भी लिखा हुआ है। यदि समय से आपको भुगतान नहीं मिल पा रहा है या देर हो रही या कुछ भी, तो DC NRLM यानी जिला स्तर
पर जो डीसी सर होते हैं सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे, वही आपके मानदेय को राज्य स्तर से मांग करते हैं, आपके फॉर्म वहां भेजते हैं, सब कुछ चेक होता है, उसके बाद ही मानदेय आपके ग्राम संगठन तक पहुंच पाता है। तो कुल मिला के जो आपके मानदेय की प्रक्रिया है वो जिला स्तर से होते हुए राज्य स्तर पर पहुंचती है, राज्य स्तर से जिला स्तर पर आती, उसके बाद आपके ग्राम संगठन में पैसा दिया जाता है, ग्राम संगठन में आता है। यदि ग्राम संगठन नहीं है तो फिर आपका जो नोडल समूह बनाया गया होगा, नोडल समूह का मतलब जिस समूह में आपके समूह सखी का मानदेय दिए जाने के लिए चयनित किया गया होगा, उसका समूह का बैंक पासबुक भी जमा होगी, ठीक है, तो उसके बाद ही उसी में पैसा आएगा। जब ग्राम संगठन बन जाएगा तब उसके खाते में आने लगेगा, उसका खाता लगेगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रक्रिया है जिसमें फॉर्म भरने में, जाने में, फिर वहाँ चेक होने में, फिर आगे भेजने में, वहाँ चेक होने में, उसके बाद पैसा आने में एक थोड़ा समय लगता है, प्रक्रिया होती है, तब जाकर के धीरे से धीरे धीरे पैसा आपके ग्राम संगठन तक पहुँच पाता है दीदी। इसी वजह से आप लोगों का मानदेय में लेट हो जाता है। आशा करते हैं कि मानदेय प्रक्रिया आपकी समझ आ गई होगी दीदी। और आपको बता दें कि समूह सखी जब नौकरी पर लगती हैं तो उनको तुरंत मानदेय नहीं जुड़ता है, जब उनका ट्रेनिंग हो जाता है तब जाकर के उनको मानदेय मिलना शुरू होता है ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग कर लेते हैं तब जाकर के मानदेय कहीं मिल पाता है। अब आपको बता दें कि जो भी प्रक्रिया मानदेय की समूह सखी की है, इसी प्रकार से बाकी कैडर की भी रहती है, चाहे वो और भी पद पर कैडर लगी हैं, और स्वास्थ्य सखी हो गई, FNHW हो गई, FLCRP हो गई, ठीक है, तो बहुत सारी और भी कैडर हैं, सभी का ऐसे ही मानदेय जो होता है वो मांग की जाती है, सब कुछ चेक होता है, कार्यों का मूल्यांकन होता है, उसके बाद ही उनको मानदेय मिल पाता। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको मानदेय प्रक्रिया समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।